हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम आप सभी के लिए चावल के आटे और आलू से बने स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए बनाते हैं। उसके लिए एक पैन ले लिया है, एक कटोरी पानी ले लेते हैं। अब हम मसाले ले लेते हैं। आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ पिसा जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम सभी मसाले अच्छे से पानी में उबाल लेते हैं। देखिए पक चुके हैं मसाले हमारे। अब हम एक कटोरी चावल का आटा ले लेते हैं। जिस कटोरी से पानी लिया था उसी कटोरी भर का चावल का आटा लेना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बराबर मात्रा करनी है दोनों की, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लो फ्लेम पे ही इसको थोड़ी देर मिक्स कर लेना है। देखिए हमारा चावल का आटा पक चुका है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हल्का सा मैश कर लेते हैं। अब हम चार मीडियम आकार के उबले आलू ले लेते हैं और अच्छे से मैश कर लेते हैं, जिससे आलूओं में गुठलियाँ ना रह जाए। देखिए हमने चारों आलू मैश कर लिए। अब हम अच्छे से चावल के डो में अच्छे से मैश कर लेते हैं, जिससे चिकना डो तैयार हो जाए। देखिए हमने चिकना डो तैयार कर लिया है। अब हम हाथों को तेल से ग्रीस कर लेते हैं और थोड़ा सा डो लेके हाथों में अच्छा सा शेप तैयार कर लेते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा स्नैक्स बना सकते हैं। देखिए पहले गोल करना है, फिर उंगलियों से ऐसे दबा के रेक्टेंगल में बना लेना है। हमने रेक्टेंगल बनाया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही हम सभी स्नैक्स बना लेते हैं। देखिए हमारे सभी स्नैक तैयार हो चुके हैं। अब हम तल लेते हैं। हमने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है तलने के लिए और तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक स्नैक्स तेल में डाल देते हैं। पहले हाई फ्लेम रखते हैं, फिर लो फ्लेम में पकाते हैं इनको। अगर हाई पे पकाएंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं, इसलिए लो मीडियम में ही इनको तलना है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और झटपट बन के तैयार भी हो जाते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अब हम एक बार उलट पलट देते हैं, जिससे दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। एक बार के स्नैक्स तलने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, तभी क्रिस्पी बनते हैं ये। एक बार फिर उलट देते हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको तल लेते हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, जिससे स्टट तेल टिश्यू पेपर पे आ जाए। अब हम सेकेंड बैच भी तल लेते हैं। पहले गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं डालते समय। जब सारे डल जाएं तो फिर मीडियम पे ही इनको तलना है। देखिए सेकेंड बैच के भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं स्नैक्स।
अब हम इनको भी निकाल लेते हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम आपको तोड़ के दिखाते हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, अंदर से मुलायम और ऊपर से क्रिस्पी।